गदर टू सनी विला गुरदासपुर कनेक्शन सनी देओल। जी हाँ, इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल को लेकर हर रोज कोई ना कोई नई खबर सामने आ रही है, फिर चाहे उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 को लेकर हो या फिर उनके बंगले की नीलामी को लेकर। इस समय सनी देओल को लेकर खूब माहौल बना हुआ है। अब सनी देओल को लेकर एक और खबर सामने आई है, सनी देओल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने क्यों लिया चुनाव ना लड़ने का फैसला, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। दरअसल गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी ने उन्हें गुरदासपुर से टिकट दिया और उन्होंने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन सनी देओल की अपनी संसदीय क्षेत्र में बहुत कम उपस्थिति रही। कई बार तो गुरदासपुर में सनी देओल के लापता सांसद के पोस्टर भी लगाए गए और विरोध दर्ज करवाते हुए कहा गया कि सनी देओल चुनाव तो जीत गए लेकिन क्षेत्र में नहीं आए। हालांकि कई बार तो ये भी कहा गया कि सनी के यहाँ से सांसद होने से विकास भी नहीं हो पाया, वजह बताई गई उनकी गैर मौजूदगी। इतना ही नहीं, सनी देओल की केवल संसदीय क्षेत्र में ही गैर मौजूदगी नहीं रही है बल्कि संसद में भी वो बहुत कम उपस्थित रहे हैं। आपको आंकड़े बताएं तो संसद में सांसदों की उपस्थिति का राष्ट्रीय औसत करीब 80% के करीब है, यानी हर सांसद की उपस्थिति इतनी ही रही है। वहीं पंजाब का औसत 70% के आसपास है, लेकिन सनी देओल की संसद में उपस्थिति लगभग 18% रही है और ये राष्ट्रीय और राज्य के औसत की तुलना में भी काफ़ी कम है। इतना ही नहीं, संसद में उन्होंने अब तक किसी भी बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया है। अमूमन सांसदों के बहस में हिस्सा लेने का राष्ट्रीय औसत 42.7% है। संसद में गैर मौजूदगी का आलम यह रहा है कि उन्होंने बतौर सांसद कोई भी निजी सदस्य विधेयक भी पेश नहीं किया है। बहरहाल सनी देओल ने कहा है कि 2024 में कोई चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और एक्टर रहते हुए उनका जो दिल करेगा वही करेंगे। एक्टर के तौर पर ही वो काम करते रहेंगे और देश सेवा भी करते रहेंगे। अब सनी देओल ने चुनाव ना लड़ने का फैसला ले ही लिया है तो ये भी बात कर लेते हैं कि सनी नहीं तो कौन, यानी गुरदासपुर से बीजेपी की ओर से कौन मैदान में होगा। आइए आपको पहले गुरदासपुर सीट का इतिहास भी बता देते हैं, फिर बात करेंगे कि बीजेपी की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव में कौन यहां से उम्मीदवार होगा। दरअसल पंजाब की गुरदासपुर सीट ऐसी सीट है जहां आज़ादी के बाद पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के तेजा सिंह ने जीत दर्ज की थी। पिछले दो दशकों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 1998 में बीजेपी के विनोद खन्ना ने यहां से चुनाव जीता। एक बात और बता दें, बीते दो दशकों में बीजेपी ने यहां फिल्मी चेहरों पर दाव खेला है, बहुत हद तक बीजेपी इसमें कामयाब भी रही है और 2009 तक विनोद खन्ना यहां से जीतते रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने जीत दर्ज की और 2014 में एक बार फिर ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई और विनोद खन्ना ने इस सीट से जीत हासिल की। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में सनी देओल को पार्टी ने टिकट दिया और वो यहां से जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन सनी देओल ने 2024 में चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से किसे मैदान में उतारेगी। क्या एक बार फिर कोई फिल्मी चेहरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके साझा ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।